अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है स्टार गोट फार्म की पूरी एक बनूर फैमिली के बारे में। बनूर एक ब्रीड है मेंढों में, शीप की ये ब्रीड काफ़ी फेमस है। ये जो ब्रीड है ये साउथ ऑफ इंडिया की ब्रीड है। इस ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसमें मेल है, फीमेल है, छोटा बच्चा है, ये फॉर सेल है स्टार गोट्स फार्म से। स्टार गोट फार्म जैसे आप लोगों को सबको पता है मुंबई में है, रुक जाओ, आप वहीं रुक जाओ। मुंबई के रे रोड एरिया में आसिफ भाई इसको चलाते हैं। आसिफ भाई का नंबर आप लोग वीडियो के स्टार्ट से ले सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ये बनूर मेंढे बाय करने के लिए तो आप आसिफ भाई से बात करें। अगर आप मुंबई से हैं तो जाएँ ये मेंढे देखें, पसंद करके आप ले सकते हैं वहीं से। अगर आप इंडिया के कोई और पार्ट से भी हैं तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईजीली आसिफ भाई ट्रेन में मेंढे भेज देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था इसमें मेल है, फीमेल है, छोटा बच्चा आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये जो ब्रीड है बनूर, ये मेंढों की एक ब्रीड है साउथ ऑफ इंडिया, ये ज़्यादातर कर्नाटक में पाई जाती है और ये कुछ दिनों से काफ़ी रेयर हो गई है। लाइक ये एक यूनिक बन चुकी है चीज़, इसकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही है, वो हिसाब से इसका रेट भी काफ़ी फ्लक्चुएट होता है मार्केट के अंदर। सो बहुत बार तो बनूर मेंढे फॉर सेल आते ही नहीं है, ओरिजिनल आते भी हैं तो बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स ये बनूर के पूरे लॉट के लिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें स्टार गोट फार्म जिसे चलाते हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो डेली वीडियोज़ डालते हैं। ये बनूर का वीडियो भी वो डाले हैं अपने चैनल पर और वो अपने फेसबुक पेज पे भी अपडेट देते रहते हैं, तो आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें स्टार गोट फार्म आसिफ एसटी। एंड फ्रेंड्स इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को, फ्राइडे आफ्टरनून तक मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा और मैं एक दिन वहां रहूंगा, सैटरडे तक वहां रहूंगा। और इमरान भाई जो हमारे अहमदाबाद वाले हैं उनके साथ हम लोग कुछ फार्म हाउसेस विज़िट करेंगे वहाँ पर और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। इमरान भाई से भी हम इंटरव्यू लेंगे और उनका भी नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।